ठीक है, बोर्ड पर देखिए। हेलो, बात नहीं करो। बिहार स्पेशल की क्लास में ये वाला सिलेबस था आपका, पीछे क्लास में इसको हम डिस्कस कर लिए थे, वीडियो भी इसका डला हुआ है। बिहार एक सामान्य परिचय, तो जिनका छूट गया वो कर सकता है वीडियो लेक्चर देखकर। आज सेकंड लेक्चर है जिसमें बिहार की अवस्थिति एवं विस्तार और इसके साथ कुछ मिसलेनियस फैक्ट है उसको हम एक साथ करेंगे, जैसे कि अनुमंडल कौन सा है, कौन से अनुमंडल में कौन से जिले आते हैं, उसका लोकेशन किस साइड है, सबसे ज़्यादा जिले किस अनुमंडल में हैं। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट है, इसको पहले समझेंगे। उसके बाद बिहार की अवस्थिति एवं विस्तार में पीछे क्लास में डिस्कशन थोड़ा सा हुआ था, एक ओवरव्यू लेंगे उस पर। उसके बाद से एक नेक्स्ट में आएगा, इसी के अंतर्गत हम देखेंगे कि कौन सा जिला बिहार की चौहद्दी क्या है, बिहार के पूर्व में, बिहार के पश्चिम में, बिहार के उत्तर में, बिहार के दक्षिण में, ये कौन कौन से राज्य और कौन कौन से इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर होता है, इसको भी थोड़ा सा देखेंगे। उसके बाद से कौन से राज्य से कितने डिस्ट्रिक्ट के जिले लगते हैं, तो ये सब फैक्ट हैं, लेकिन एग्जामिनेशन में काफ़ी क्वेश्चन इधर से आते हैं, इसलिए इन सारी चीज़ों को ध्यान से समझ लेना है, ठीक है। तो दूसरा टॉपिक ये डिस्कस होगा, बिहार की अवस्थिति एवं विस्तार, फिर इसके बाद से धीरे धीरे टॉपिक आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो बिहार की अवस्थिति एवं विस्तार में सबसे पहले ये डिस्कस हुआ था कि भारत की अवस्थिति एवं विस्तार क्या है, और भारत का ही पार्ट है बिहार, तो फिर वहाँ से डिस्कशन आगे होगा। तो भारत की अवस्थिति एवं विस्तार में देखे थे कि यहाँ पे जो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, हालांकि सबसे दक्षिणतम बिंदु यहाँ पे ग्रेट निकोबार में है, ठीक है, इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। फिर भी यहाँ पे ये काउंट होता है कन्याकुमारी, जो मुख्य भूमि की अगर बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड या उत्तरी अक्षांश से भारत का विस्तार है। ऊपर आप जाएंगे तो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड या फिर उत्तरी अक्षांश, ये भारत की अवस्थिति एवं विस्तार में है। उसके बाद से देशांतरीय विस्तार भारत की देखें तो इधर आप जाएंगे तो 67 डिग्री 68 मिनट और इधर जाएंगे तो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो इसको हम लिख सकते हैं कि ये भी पूर्वी देशांतर है, ईस्ट लॉन्गिट्यूड, और इसको भी हम लिख सकते हैं ईस्ट लॉन्गिट्यूड। पिछले क्लास में डिस्कस हुआ था कि दोनों साइड ईस्ट या फिर दोनों साइड नॉर्थ लिखने के पीछे रीजन है कि भारत की अवस्थिति एवं विस्तार पे जाएंगे तो इस पूरे भारत विश्व के मानचित्र पे ये 0 डिग्री इक्वेटर है, 0 डिग्री, ऊपर उत्तरी गोलार्ध है, नीचे दक्षिणी गोलार्ध है, पीछे ये सारा बात डिस्कस हुआ है। उत्तरी गोलार्ध में भारत की अवस्थिति कुछ इस प्रकार से यू है, ठीक है। तो ऊपर जाएंगे तो ये सब उत्तरी अक्षांश है और नीचे जाएंगे तो सब दक्षिणी अक्षांश है, क्योंकि 1 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक ऊपर में खींचा गया है, फिर 0 डिग्री से लेकर यहाँ पे 90 डिग्री दक्षिण में खींचा गया है। तो दोनों में मतलब समझने में आसानी हो, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में जो भी अक्षांश रेखाएं हैं उसको उत्तरी अक्षांश रेखा और दक्षिण में जितनी अक्षांश रेखाएं हैं उनको दक्षिणी अक्षांश। अब चूंकि भारत उत्तर में ही है इसलिए इसका दोनों लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट भी उत्तरी अक्षांश और 37 डिग्री 6 मिनट भी उत्तरी अक्षांश। देशांतर की बात करें तो 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है यहाँ पे 0 डिग्री नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाता है, तो इधर आप जाएंगे तो 360 डिग्री आपको इधर मिलेगा, 180 और फिर इधर जाएंगे तो इधर भी मिलेगा 180। अब 180 और 180 ये 360 डिग्री का मैटर है यहाँ पे। अब इधर भी 1 2 3 4 180 है, इधर भी 1 2 3 4 180 है, तो फिर दोनों को पहचानेंगे कैसे कि हम पूरब में बात कर रहे हैं कि पश्चिम में बात कर रहे हैं। तो ये 0 डिग्री से पूर्वी वाला भाग इधर जो है उसको बोलते हैं पूर्वी गोलार्ध, और इस पर जो भी अक्षांश रेखाएं हैं उसको पूर्वी सॉरी इधर जो भी देशांतर रेखाएं हैं उसको बोलते हैं पूर्वी देशांतर रेखा, फिर इधर वाले पार्ट को बोलते हैं पश्चिमी गोलार्ध, और इधर जो भी देशांतर रेखाएं हैं उन सारे देशांतर रेखा को पश्चिमी देशांतर रेखा के नाम से जाना जाता है। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का ये कंसेप्ट है, जब वर्ल्ड ज्योग्राफी में लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड काफ़ी डिटेल्स में आप पढ़ते हैं। अब भारत की जो अवस्थिति है वो पूर्वी गोलार्ध में है, इसलिए दोनों दो यहाँ पे आपको लॉन्गिट्यूड मिलेगा देशांतर रेखा, इसलिए दोनों यहाँ पे पूर्वी देशांतर ईस्ट लॉन्गिट्यूड और यहाँ पे भी ईस्ट लॉन्गिट्यूड लिखा गया। तो ये हो गया भारत की अवस्थिति एवं विस्तार, यानी पूरे विश्व के मानचित्र पे भारत कहाँ पे लोकेटेड है या भारत कहाँ पे अवस्थित है। तो ये हो गया विश्व में भारत की स्थिति। अब भारत में बिहार की क्या अवस्थिति है, पीछे क्लास में थोड़ी सी बातें हम लिख लिए थे, फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा उसको समझेंगे, ठीक है। तो पूरे भारत में बिहार का लोकेशन देखेंगे तो यहाँ पे आपको हमने बताया था कि बिहार के लोकेशन में ये
जो सबसे लास्ट पॉइंट यहाँ पे टच करता है ये रोहतास जिला है, और रोहतास जिला के यहाँ पे सबसे पश्चिम, पूरब पश्चिम समझ रहे हो ना, राइट साइड पूरब है और ये पश्चिम है, जो सबसे पश्चिम में यहाँ पे जो ये कौन सा रेखा है, देशांतर रेखा, जो पश्चिम में देशांतर रेखा है उसको 83° 19' 50" है, और जो सबसे पूर्वी देशांतर है वह 88° 17' 40". अब ये डाटा आपको याद करना पड़ेगा, एग्जाम में ये डाटा आ जाता है एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो मोबाइल नंबर के तौर पे इसको जैसे भी आपको याद करना हो याद कर लेना, इसको जरूरी है कि भारत की सॉरी बिहार की अवस्थिति एवं विस्तार कहाँ पे। नेक्स्ट जाएंगे इसका अक्षांश रेखा कहाँ से कहाँ तक है या फिर अक्षांशीय विस्तार कहाँ पे है। अच्छा, ये भी पूर्वी देशांतर ही दोनों लिखा हुआ है, यहाँ पे भी पूर्वी देशांतर है और यहाँ पे भी पूर्वी देशांतर है। रीजन, क्योंकि पूरा भारत ही पूर्वी गोलार्ध में है, अभी रुक जाओ लिखो नहीं तो, भारत पूर्वी गोलार्ध में है तो बिहार भी तो उधर ही रहेगा ना, क्योंकि भारत का ही पार्ट है, इसलिए यहाँ पे भी पूर्वी देशांतर और यहाँ पे भी पूर्वी देशांतरीय विस्तार देखेंगे तो देशांतरीय विस्तार के अंतर्गत अक्षांश रेखा, तो भारत की जो अक्षांशीय विस्तार है वो दोनों उत्तरी अक्षांश या उत्तरी गोलार्ध में है, तो इसका भी दोनों उत्तरी अक्षांश या नॉर्थ लैटिट्यूड ही होगा। 24° 20' 10" से लेकर नॉर्थ लैटिट्यूड यानी उत्तरी अक्षांश से लेकर 27° 30' 15" उत्तरी अक्षांश, कहने का मतलब देशांतरीय विस्तार लगभग 5 डिग्री और अक्षांशीय विस्तार लगभग 3 डिग्री, बोलो ना जैसनो। तो ये पूरे बिहार की अक्षांशीय विस्तार है। अब इसको लैंग्वेज पे आप लिखना चाहे तो बस वही लिख सकते हैं कि भारत का अक्षांशीय विस्तार डैश 24° 20' 10" उत्तरी अक्षांश से लेकर 27° 31' 15" उत्तरी अक्षांश तक, बात समझ में आया। वैसे देशांतरीय विस्तार, बिहार का देशांतरीय विस्तार डैश 83° 19' 15" पूर्वी देशांतर से लेकर 88° 17' 40" पूर्वी देशांतर। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, इस मैप में भी आप देख सकते हैं इसका सारा बात यहाँ पे लिखा हुआ है। एक बात और यहाँ पे कि इसका पूर्व से पश्चिम, पूर्व से कितनी लंबाई है, पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण इसकी कितनी लंबाई है, तो पूर्व से पश्चिम इसकी लंबाई देखेंगे तो 483 किलोमीटर, जो कि लंबाई है इसलिए किलोमीटर में ही मेजर होगा, क्षेत्रफल होता तो किलोमीटर स्क्वायर, तो 483 किलोमीटर इसका पूर्व से पश्चिम लंबाई है। मतलब यहाँ पे जो पूर्वी भाग से पश्चिमी भाग आप सफ़र करेंगे तो 483 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ेगा। अब उल्टा दिमाग मत लगा दें सर, सिवान से हम कटिहार के लिए ट्रेन पकड़ते हैं ये 600-700 किलोमीटर दिखाता है, अब 600-700 किलोमीटर तक क्या पूर्व से पश्चिम 600-700 किलोमीटर हो जाएगा, नहीं, अब वो ट्रेन का जो रास्ता होगा वो तो घुमा फिरा के होगा ना, ये डायरेक्ट नापा गया सीधा कि यहाँ से यहाँ तक कितनी लंबाई है, बोलो ना जी। उसमें जैसे भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई 3214 किलोमीटर है, अब 3214 किलोमीटर है लेकिन भारत का सबसे लंबा जो NH है नेशनल हाईवे 7, तो उसकी लंबाई 3214 से भी ज़्यादा है, तब इसका मतलब ये थोड़ा है कोई दूसरे देश में मतलब वो काउंट कर लिया गया, नहीं, वो घुमा फिरा कर रास्ता बनाया गया। तो वैसे ही यहाँ पे सिवान से कटिहार के लिए ट्रेन सर्च करेंगे तो आपको ये 483 किलोमीटर से अधिक दिखेगा, जबकि इस छोर से इस छोर पे यहाँ पे सिवान है और इस छोर पे आप कटिहार जा रहे हैं कटिहार, ठीक है, तो वो 600 समथिंग किलोमीटर के आसपास आपको सफ़र दिखाएगा, तो फिर अपना रूट के हिसाब से वो सारी चीज़ें। नेक्स्ट, उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है, तो उत्तर से दक्षिण लंबाई है 345 किलोमीटर, तो उत्तर से दक्षिण आप सफ़र करेंगे तो 345 किलोमीटर, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो अवस्थिति एवं विस्तार में ये बातें दिमाग में रखना है कि जो भारत की अवस्थिति एवं विस्तार है तो इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट है, बिहार की अवस्थिति जो विस्तार है वो बिहार ज्योग्राफी का पार्ट है, तो इसको थोड़ा सा दिमाग में रखना है। उसके बाद से इसकी चौहद्दी, बिहार के उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, पूर्व में क्या है, पश्चिम में क्या है, तो बिहार का जो सीमा रेखा वो इंटरनेशनल बाउंड्री भी शेयर करता है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय रेखा भी साझा करता है जो कंट्री है नेपाल, क्योंकि नेपाल तो दूसरा देश है ना, तो बिहार का बॉर्डर एक अंतर्राष्ट्रीय देश के साथ अपना शेयर करता है सीमा, जिसका नाम है नेपाल, तो नेपाल के साथ अपना सीमा साझा करता है। बाकी भारत के 3 स्टेट की बाउंड्री बिहार के स्टेट से लगती है या बिहार राज्य से लगती है, जिसमें पूरब में है पश्चिम बंगाल, तो उल्टा है, पूरब में है पश्चिम बंगाल, पश्चिम में है उत्तर प्रदेश, ये तो आपको पता ही होगा, सफ़र आपको मतलब बिहार को थोड़ा सा भी लोकेशन पता होता है, इतना तो पता है कि नीचे जाएंगे तो झारखंड है क्योंकि इसी से कटकर बना हुआ है, इधर से आपको पालगंज में है तो क्रॉस करते हैं तो उत्तर प्रदेश ही जाते हैं, ऐसा थोड़ा है कि इधर से क्रॉस करके एक बार नेपाल चाहे पश्चिम बंगाल चले जाते हैं, उत्तर प्रदेश है, और इधर जाएंगे तो आपको मिलेगा वेस्ट बंगाल, पतला सीमा लगा हुआ है लेकिन वेस्ट बंगाल है, ठीक है।
यहाँ तक कोई दिक्कत? तो इतनी बातें डिस्कस हुई थी। अब इसके अनुमंडल वगैरह थोड़ा सा देख लेना है, उसके बाद से इसके चौहद्दी पे कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, कितने डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर आसपास के राज्यों से या फिर देशों से लगता है, कौन से राज्य और नेपाल से कितने डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर टच करते हैं, वो सारी चीज़ें देखेंगे। उसके बाद से कुछ क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है? तो नेक्स्ट, अब इसमें स्लाइड है, ये देखो, ये एक फैक्ट के तौर पे है लेकिन इसको दिमाग में रखना है। एक बार ध्यान से देखिए पहले आप, उसके बाद से हम इसमें समझाते हैं। विश्व है जिसमें टोटल 7 महादेश हैं। अब 7 महादेश में एशिया है, अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, ये 7 महादेश है, ठीक है? और 7 महादेश में नीचे जाएंगे तो महादेश सॉरी विश्व में 7 महाद्वीप है, तो 7 महाद्वीप या महादेश, जिसमें से एक देश है एशिया। एशिया में बहुत सारे देशों के समूह को महादेश बोलते हैं। एक महादेश या महाद्वीप के अंतर्गत बहुत सारे कंट्री होते हैं जिसमें से एक कंट्री है भारत। किसी भी देश को वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए बहुत सारे राज्यों में बांटा गया है, तो भारत को भी बहुत सारे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है, जिसमें से वर्तमान में अभी 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, टोटल कितने? 8, ठीक है? अब इसमें से एक राज्य है बिहार। बिहार में टोटल प्रमंडल की संख्या है कितने? 9, तो 9 प्रमंडल है। 9 प्रमंडल के अंतर्गत सभी 38 जिलों को रख दिया गया है। प्रमंडल के अंतर्गत होता है जिला, तो बिहार में टोटल जाएंगे तो 38 डिस्ट्रिक्ट है। पहले टोटल 55 डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था जब झारखंड बिहार में हुआ करता था, ठीक है? तो कितने डिस्ट्रिक्ट थे टोटल? 55, ठीक है? 2000 ईस्वी में 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जब झारखंड अलग हुआ तो बिहार में जिलों की संख्या था 37। उसके जस्ट अगले साल 2001 में जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट से एक अलग जिला बनाया गया जिसका नाम था अरवल। तो 2001 से जिलों की संख्या हो गई 38। अभी कुछ जिला बनाने के लिए बातचीत चल रहा है और मे भी 2-4-5 जिले नए काटकर अभी बनाए जाएंगे कुछ दिनों के अंदर, लेकिन फिलहाल अभी तक टोटल जिलों की संख्या बिहार में है 38। जिले के अंदर जाएंगे तो होगा अनुमंडल, जैसे गोपालगंज है तो गोपालगंज में 2 अनुमंडल है, गोपालगंज और हथुआ अनुमंडल, ठीक है? अनुमंडल टोटल बिहार में है 101, मतलब 101 अनुमंडल है टोटल। फिर अनुमंडल के जाएंगे अंदर तो मिलेगा आपको प्रखंड या अंचल, तो कहीं कहीं पे प्रखंड और अंचल कार्यालय अलग अलग होता है और कहीं कहीं पे ये एक ही जगह, जैसे मान लीजिए कि आप गोपालगंज नहीं, हमारे ब्लॉक में जाएंगे कुचायकोट तो वहाँ पे लिखा होगा गोपालगंज प्रखंड सह अंचल कार्यालय, ठीक है? लेकिन कहीं कहीं पे होता है जैसे बरौली जाएंगे तो भी लिखा हुआ है प्रखंड एवं सह अंचल कार्यालय, सॉरी बरौली कह रहे हैं यहाँ पे माझा, तो कहीं कहीं पे अंचल कार्यालय और ब्लॉक कार्यालय दोनों एक ही साथ होता है, कहीं कहीं पे अलग अलग भी होता है। जैसे हमारा जहाँ पोस्टिंग है वहाँ पे ब्लॉक अलग है और वहाँ से 10 किलोमीटर दूर अंचल कार्यालय है, अंचल कार्यालय मधुबनी और ब्लॉक कार्यालय मधुबनी, तो इस तरह से उसको दिया गया। तो कहीं कहीं पे एक जगह पे होता है और कहीं कहीं पे अलग अलग होता है। जहाँ पे अंचल कार्यालय होता है वहाँ पे जमीन जायदाद से जितने संबंधी मामले होते हैं वो सारे देखते हैं, वहाँ पे रेवेन्यू ऑफिसर आरओ होते हैं जिसको सीओ के नाम से भी जानते हैं, तो वो सीओ सारे मैटर्स को देखते हैं। जो ब्लॉक कार्यालय है वो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बीडीओ वो सारी चीज़ों को हैंडल करते हैं, वहाँ पे बीडीओ हेड होते हैं, ठीक है? तो ये दोनों याद करके लिख दिए हैं, लेकिन है दोनों एक समान नहीं, दोनों कार्यालय अलग अलग काम करते हैं लेकिन सामान्यतः एक ही जगह। तो ये टोटल कितने हैं बिहार में अभी? 534,534। ये सब लेटेस्ट डाटा है अभी, ठीक है? पीछे किताब पढ़ेंगे तो इसमें थोड़ा बहुत अंतर मिल जाएगा, लेकिन ये सब अभी ताज़ा डाटा है। फिर प्रखंड के अंतर्गत आते हैं बहुत सारे पंचायत, तो अभी बिहार में टोटल 8,471 पंचायत है। कोई दिक्कत परेशान? पंचायत के अंतर होते हैं वार्ड, कहीं कहीं पे वार्ड ना होगा डायरेक्ट गांव भी हो जाएगा, गांव में घर, घर में परिवार और परिवार में आप, बोलो ना जैसा, तो वहाँ पे बनाया गया, बात समझ आए? तो ये मान लीजिए कि आप हैं तो लिख देते हैं यहाँ पे, तो एक बार उल्टा समझते हैं, ठीक है? तो बहुत सारे लोग मिलेंगे तो लोग मिलने से क्या बनेगा? परिवार। बहुत सारे परिवार मिलकर घर, मतलब घर में एक परिवार दो परिवार जिस हिसाब से। फिर बहुत सारे घर मिलेंगे तो गांव, गांव मिलेंगे तो वार्ड, वार्ड मिलेंगे तो पंचायत, पंचायत मिलेंगे तो प्रखंड या अंचल जो भी आप कहें। फिर अंचल मिलेंगे तो अनुमंडल, अनुमंडल मिलेंगे तो जिला, जिला मिलेंगे तो प्रमंडल, प्रमंडल मिलेंगे तो राज्य, फिर राज्य तो देश, देश तो महादेश, तो इस तरह से ही एक चले, बात समझ में आया? तो ये एक डाटा है, लिखिए जल्दी इसको, बनाइए फटाफट, बना लीजिए जल्दी।
इधर से बोल रहे हैं। जहाँ पे लिख रहे थे वहीं पे आगे अब लिखना है इसको, पीछे क्लास में जहाँ पे छोड़े थे अवस्थिति एवं विस्तार थोड़ा सा करा के वहीं पे इसको लिख लेना। मैप बनाए थे ना वो पीछे क्लास में, लिखिए जल्दी। और जो मैप मिला है डिस्ट्रिक्ट वाला उसको एकदम अब दिमाग में रखने ना, कौन सा जिला कहाँ पे है। तो बिहार में पोल बहुत पुल गिर रहा है तो पता चलेगा कौन से जिला में कौन सा पुल गिर रहा है। हालांकि क्वेश्चन वो नहीं बनेगा फिर भी जानकारी के लिए। ये तो पता होगा पीछे से जो लोग हैं तो कई बार इसको हम बना चुके हैं। कितने ब्लॉक हैं गोपालगंज में? 14 ब्लॉक है, दो अनुमंडल के अंतर्गत 14 ब्लॉक। हो गया। उसके बाद से यहाँ पे भी कुछ डाटा दिया गया अभी वर्तमान में, उसको अभी लिख लीजिएगा आप भी बॉक्स में देकर। समझा देते हैं अभी हम, महानगर एक ही है पटना महानगर, मेट्रोपॉलिटन सिटीज को बोलते हैं, और नगर निगम है अभी टोटल 19 और 19 और अभी बना है 19वां जिसका नाम है सहरसा। नाम सुने हैं सहरसा जिला 19वां बना हुआ है। उन्नीसवां नगर निगम सहरसा है, गोपालगंज नगर निगम है नहीं, नगर परिषद है। टोटल 89 है तो गोपालगंज भी नगर परिषद है, हथुआ नगर परिषद है, बरौली नगर परिषद है, नगर पंचायत है ठीक है, तो बरौली नगर परिषद है, दो तीन नगर परिषद गोपाल, और नगर पंचायत है टोटल बिहार में 154। गोपालगंज में जहाँ से एंट्री मार रहे होंगे वहीं पर लिखा होगा नगर परिषद गोपालगंज, आपका हार्दिक स्वागत करता है। टाउन से बाहर आ रहे होंगे, टाउन के बाहर से आ रहे होंगे तब सभी चौक चौराहों पे बड़ा सा पोस्टर लगा होगा। गांव टोटल बिहार में है लगभग 45,000 प्लॉट्स, छोटा सा इन्फॉर्मेशन है चाहे तो आप लिख सकते हैं। गांव टोटल 45,000 प्लस गांव है बिहार में, जिसमें से एक आपका गांव भी होगा विजयपुर, हमारा गांव है आपका नहीं, लिखिए। हो गया, नेक्स्ट आगे। लिख दिए, बोलो ना जी, डैश देके अगला पॉइंट लिखे, अगला पॉइंट लिखे डैश देके। बिहार में कुल 9 परमंडल है। अगला पॉइंट, बिहार में कुल 9 परमंडल है, 9 परमंडल है, जैसे बोर्ड पर देखिए, यहाँ पे 9 परमंडल लिखा हुआ है पहले इस बॉक्स में, फिर उसको कलर में यहाँ पे दिखाया गया है ठीक है। पटना परमंडल है, तिरहुत परिमंडल है,
सारण है, कोसी है, दरभंगा है, पूर्णिया है, भागलपुर, मुंगेर और मगध, मगध महाजनपद। तो मगध के नाम पे भी एक परमंडल है, ठीक है। अब जिस कलर से बनाया गया है उसी कलर से इसमें डिस्ट्रिक्ट दिखाया गया है कि कौन से परमंडल में कौन सा जिला है। जैसे पटना परमंडल ये वाला दिखा रहा है, तो पटना परमंडल में टोटल 6 जिले हैं, कैमूर, रोहतास। अच्छा एक बात और समझिए, जो जिले हैं उनका जिला मुख्यालय ये दो तरीके से काउंट है। जैसे गोपालगंज जिला है तो उसका गोपालगंज का जिला मुख्यालय भी गोपालगंज के नाम से ही जाना जाता है, इसलिए गोपालगंज का नाम मतलब गोपालगंज, तो उसका जिला मुख्यालय भी कहाँ पे है, गोपालगंज। सारा सेटअप यहाँ पे, कलेक्ट्रेट वगैरह सारा चीज़ यहाँ पे है। कहीं कहीं पे जिला मुख्यालय उसके अलग नाम से जाना जाता है, जैसे पश्चिमी चंपारण तो इसका जिला मुख्यालय है बेतिया, पूर्वी चंपारण इसका जिला मुख्यालय है मोतिहारी, वैसे यहाँ पे ये है रोहतास तो इसका जिला मुख्यालय है भभुआ। नाम सुने भभुआ, तो इसका जिला मुख्यालय भभुआ। तो वैसे कुछ ये देखो, ये आपको मिलेगा बक्सर तो इसका जिला मुख्यालय आरा, सॉरी भोजपुर का आरा है, भोजपुर का। बात समझ में? तो इस तरह से जिलों का कहीं कहीं पे मैक्सिमम जगह पे जिस जो जिला है उसका जिला मुख्यालय का नाम भी सेम ही है, लेकिन कहीं कहीं पे जिला मुख्यालय का नाम अलग है और डिस्ट्रिक्ट का नाम अलग है, ठीक है। तो बेतिया मतलब पश्चिमी चंपारण, मोतिहारी मतलब पूर्वी चंपारण, तो ऐसे करके थोड़ा सा कहीं कहीं पे अलग अलग मिलेगा। तो पटना प्रमंडल के अंतर्गत टोटल 6 जिले हैं, कैमूर है रोहतास है बक्सर, भोजपुर, पटना और नालंदा। ये टोटल 6 जिले हैं आपको किसके अंतर्गत, पटना के अंतर्गत या पटना प्रमंडल के अंतर्गत। तो ये आपका पूरा बेल्ट ये वाला आप देखेंगे तो ये आपका ये इधर पटना ही जाता है, ये आपका कौन सा है प्रमंडल, पटना प्रमंडल। अब इसी के नीचे जस्ट जाएंगे तो ये आपका है मगध प्रमंडल, मगध। तो पटना के नीचे मगध, बस याद रख लीजिए। अब डिस्ट्रिक्ट दिमाग में रखना पड़ेगा कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है, ठीक है। तो मगध प्रमंडल में जाएंगे तो मगध प्रमंडल में आप देखो यहाँ पे औरंगाबाद, फिर अरवल, इसी जहानाबाद से काटकर बनाया गया, अभी बताए तो ये जहानाबाद के काटकर अरवल बनाया गया है, तो यहाँ पे जहानाबाद इसी के पास है अरवल। तो टोटल 5 डिस्ट्रिक्ट है, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया और नवादा। नवादा अलग है, नालंदा अलग है, बोलो ना जश्न, ठीक है। तो यहाँ पे है नालंदा डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पे है नवादा डिस्ट्रिक्ट। तो नवादा डिस्ट्रिक्ट झारखंड के साथ बॉर्डर शेयर करता है, जबकि पटना के साथ बॉर्डर शेयर करता है कौन, नालंदा। जो राजगीर आप घूमने जाते हैं वो नालंदा का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, राजगीर कहाँ पे है, नालंदा, पटना के बगल में, बोलो ना जश्न। और यहाँ पे नवादा अलग जिला है, खनिज संसाधन वगैरह पाए जाते हैं झारखंड से सटे हुए। तो एक बार दिमाग में रखिएगा, नवादा जो झारखंड से सीमा शेयर करता है और नालंदा है पटना के पास, जो राजगीर वगैरह लोकेशन है वो। नालंदा विश्वविद्यालय भी कहाँ पे है, यहीं पे, जहाँ मोदी जी भी कुछ दिन पहले विश्वविद्यालय का उद्घाटन किए हैं। तो नालंदा में, नवादा भी नहीं है, नवादा झारखंड के पास है। नेक्स्ट इसके बगल में ये जाएंगे तो ये वाला आप देख लीजिए कौन सा है, ये भाग कोसी प्रमंडल, कोसी तो ऊपर मिलेगा यार, मुंगेर प्रमंडल है यहाँ पे, मुंगेर प्रमंडल, ठीक है। कलर भी नहीं समझ आ रहा जी आखिरकार। तो मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत टोटल 6 जिले हैं, ठीक है, छोटे छोटे जिले हैं लेकिन 6 हैं, खगड़िया, बेगूसराय, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा और जमुई। ये टोटल 6 जिले हैं आपको किस में, मुंगेर। तो मुंगेर में हो गया 6 जिला, पटना में हो गया 6 जिला, मगध किधर है भाई, 5 जिला है मगध, यहाँ तक कोई देखा। नेक्स्ट आगे जाएंगे तो इसके पूरब में मात्र 2 ही डिस्ट्रिक्ट है, सबसे छोटा अनुमंडल है जिसका नाम है भागलपुर अनुमंडल, मात्र 2 ही जिला है, भागलपुर और बांका। नाम सुने तो भागलपुर में भागलपुर विश्वविद्यालय है और बांका यहाँ पे है, बंगाल के आसपास सीमा शेयर करता है। नेक्स्ट इधर से ही ऊपर जाएंगे तो आपको ले लीजिए पूर्णिया अनुमंडल, पूर्णिया टोटल 4 जिले, आप इसको इस लाइन वाला देख लीजिए, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार और अररिया। तो यहाँ पे है टोटल 4 डिस्ट्रिक्ट, कोई दिक्कत परेशानी। नेक्स्ट आगे जाएंगे तो ये आपका भागलपुर और ये हो गया, नेक्स्ट इसके बाद आएगा ये कोसी प्रमंडल, टोटल 3 डिस्ट्रिक्ट है, ऊपर से नीचे आ जाए सुपौल, मधेपुरा और सहरसा। अभी बोले कि 19वां जो नगर निगम बना था यहीं सहरसा में बना था, वैशाली एक्सप्रेस का जो लास्ट स्टॉप है जो भी कहाँ पे है, सहरसा, तो सहरसा। तो इसमें टोटल कितने जिला, 3। फिर इधर खिसकेंगे तो ये मिलेगा आपको दरभंगा अनुमंडल, ये जिले के नाम पे ही है दरभंगा अनुमंडल, तो जाहिर सी बात है इसमें मधुबनी ये जिला है, दरभंगा जिला है, समस्तीपुर।
ये तीनों है किस में? कोसी, सॉरी दरभंगा में, तो तीन बच गए, दो। एक है तिरहुत, तिरहुत सबसे बड़ा अनुमंडल है, छह जिला है इसमें, क्योंकि पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, इस सबका क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है, इसलिए सबसे बड़ा अनुमंडल में इसको काउंट किया जाता है। वेस्ट चंपारण, डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय बेतिया, ईस्ट चंपारण, डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय मोतिहारी, सीतामढ़ी, सीतामढ़ी जहाँ पे सीता जी का मंदिर एक बना हुआ है काफ़ी भव्य, सीतामढ़ी। नीचे उतरेंगे तो मुजफ्फरपुर, यहाँ से नेशनल हाईवे 27 पकड़ के जाएंगे 120 किलोमीटर इधर, तो मिल जाएगा आपको मुजफ्फरपुर। उधर से ही वैशाली, जिसको हाजीपुर के नाम से आप जानते हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वैशाली। तो ये आपका टोटल कितना जिला है? 6 तिरहुत में, वो दिक्कत। उसके बाद लास्ट जो बच गया अपना प्रमंडल है, जिसका नाम है सारण। इसका अब ये देखो, जिला का नाम सारण है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इसका लिखा था छपरा, तो छपरा और सारण दोनों मिलेगा। तो इसके अंतर्गत तीन जिले हैं, सिवान, गोपालगंज और छपरा, मतलब गोपालगंज, सिवान और छपरा। तो तीन जिले यहाँ पे लिख देंगे, 6, 6, 12, 3, 15, 3, 18, 3, 21, 4, 25, 2, 27 और 6, 33 और 5, 38, टोटल 38 जो जिले हैं वो टोटल 9 प्रमंडल में स्थापित हैं। बोलो ना जी, इसमें बात समझ में आ गया? तो ये 9 प्रमंडल और ये जिलों की व्याख्या, तो एक लिखवा देते हैं, फिर नीचे कैसे लिख लेना है आप उसको मैप से देख कर लिख दीजिएगा, या फिर लिखिए पहला यहाँ से बोर्ड पे देखो, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे और क्लॉकवाइज घुमाकर फिर यहाँ पे लाकर पहुँचाएंगे, ठीक है? तो फिर थोड़ा सा सीक्वेंस बना रहेगा। 9 प्रमंडल है, जैसे पहला प्रमंडल लिखिए तिरहुत प्रमंडल, और डिस्ट्रिक्ट का नाम मैप से देखकर फटाफट लिखते जाइए। तिरहुत प्रमंडल, ब्रैकेट में लिखिए 6 जिले, तिरहुत प्रमंडल ब्रैकेट में 6 जिले, और डैश देख लिखिए, डैश देखिए तिरहुत प्रमंडल के 6 जिले। पहला लिखिए पश्चिमी चंपारण, WC लिख दीजिए वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण EC लिख दीजिए, पूर्वी चंपारण 5 ही जिला है ना जी? अच्छा, एक मिनट, ठीक है ठीक है, आगे लिखिए पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, फिर लिखिए सीतामढ़ी, और वहीं से सीधे नीचे उतर जाना है, तीन गो डिस्ट्रिक्ट लिख देना, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली। मैप में देख वहीं से नीचे उतर जाओ ना, ये वाला तो बेल्ट है, हो गया? मैप दिलाया ना, तो उसमें से देखते के लिख देना, तब इतना सोच रहे। नेक्स्ट दूसरा लिखिए दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा के नाम पे ही है और इसके क्लॉकवाइज आ रहे हैं हम, क्लॉकवाइज याद करने में आसानी होगी। दरभंगा मधुबनी, दरभंगा, सॉरी ब्रैकेट में लिख दीजिए 3 जिले, और डैश देके लिख लीजिए मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर। नेक्स्ट उसके पूरब में जाएं तो आपको मिलेगा कोसी परमंडल, उसके पूरब में कोसी परमंडल, कोसी परमंडल लिखिए 3 जिला इसमें, सुपौल, मधेपुरा, शेखपुरा, सुपौल, मधेपुरा, शेखपुरा, सुपौल, मधेपुरा एवं शेखपुरा। हो गया। नेक्स्ट लिखिए पूर्णिया परमंडल, ब्रैकेट में 4 जिले, पूर्णिया परमंडल ब्रैकेट में 4 जिले, और डैश तक लिख लीजिए 4 जिला। ऊपर से नीचे आ जाइए, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा ही तो बोले, और सहरसा है ये, शेखपुरा कहाँ से? सहरसा, शेखपुरा बोले, ठीक है तो सहरसा कर लो, दिख तो रहा है ना। नेक्स्ट पूर्णिया लिखिए, ब्रैकेट में लिखिए 4 जिला, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, इसको क्रॉस कर जाएंगे तो चले जाएंगे बंगाल में, बंगाल का कल्चर ही इधर देखने को मिलता है, पूरा दवा के मछली भात इधर मिलता है, इधर जाके शाकाहारी का बात किए तो फिर बहुत दिक्कत में पड़ जाएंगे।
हो गया। नेक्स्ट यहाँ से नीचे एंटी क्लॉकवाइज आप उतरेंगे तो आपको मिलेगा अगला परमंडल जिसका नाम है भागलपुर। नेक्स्ट लिखिए पांचवा परमंडल के बारे में, भागलपुर। भागलपुर दो ही जिला इसमें, तो ब्रैकेट में लिख दीजिए दो जिले, भागलपुर और बांका। भागलपुर और बांका, भागलपुर से आगे आएंगे तो अगला परमंडल आपको मिलेगा जिसका नाम है मुंगेर परमंडल। टोटल छह जिले मुंगेर में लिखे, टोटल छह जिले। ब्रैकेट डैश देख लिखे, ऊपर से नीचे लिख लीजिए आप, खगड़िया, बेगूसराय, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई। हो गया। नेक्स्ट लिखिए अगला पटना परमंडल, पटना लिख दीजिए, पटना। चाहे एक मिनट, पटना से पहले इसको लिख लो मगध, एंड क्लॉकवाइज जाने में इजी रहेगा। मगध लिखिए, मगध में टोटल है पांच जिला, झारखंड से सटे हुए बॉर्डर पे पांच जिला का नाम लिख दीजिए। उधर से ही लिख दीजिए नवादा, गया, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद। हो गया, मगध लिख दिए। उसके बाद से लिख दीजिए पटना, पटना ब्रैकेट में लिख दीजिए छह जिला। मगध के बाद से लिख दीजिए पटना, ब्रैकेट में छह जिला। नाम लिख दीजिए, इधर से ही लिख दीजिए कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा। सर नालंदा, हाँ ठीक है। पश्चिम से पूरब लिख लीजिए, कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा। और सबसे लास्ट लिख में अपना लिख लीजिए सारण परमंडल। सबसे लास्ट में लिख दीजिए सारण परमंडल, सारण परमंडल। सारण ब्रैकेट में तीन जिले, नाम लिख दीजिए गोपालगंज, सिवान, छपरा। ये तो पता ही है आपको, गोपालगंज तो पता ही है, बगल में ही सिवान है, उसके बगल में छपरा है। हो गया। नेक्स्ट नोट लिखिए, नोट। सबसे बड़ा परमंडल तिरहुत परमंडल, सबसे बड़ा परमंडल तिरहुत परमंडल तथा सबसे छोटा परमंडल भागलपुर परमंडल है। सबसे बड़ा परमंडल तिरहुत परमंडल तथा सबसे छोटा परमंडल भागलपुर परमंडल है, भागलपुर परमंडल है। हो गया। नेक्स्ट आगे लिखिए, इतना बात समझ गए। अब देखो, जो डिस्ट्रिक्ट के नाम पे परमंडल है, जैसे पटना डिस्ट्रिक्ट के नाम पे पटना परमंडल है,
तो ये तो समझ में आ जाएगा कि पटना के आसपास का जिला होगा, कोई दिक्कत? भागलपुर के नाम से है तो भी समझ में आ जाएगा कि भागलपुर के आसपास होगा। पूर्णिया वाला है तो पूर्णिया के आसपास होगा, सारण वाला है तो सारण के आसपास होगा, दरभंगा वाला दरभंगा के आसपास होगा। अब इसमें से जो डिस्ट्रिक्ट के नाम पे नहीं है, जैसे तिरहुत प्रमंडल, तो फिर आप कन्फ्यूजन में पड़ जाएंगे तिरहुत किधर है, बोलो ना जी। यस नो, जैसे मगध प्रमंडल, तो थोड़ा सा इस अंदाजा मिल जाता है मगध मतलब पटना के आसपास की बातचीत चल रहा है। तो एग्जामिनर भी बहुत होशियार प्रवृत्ति का होता है, वो जो भी प्रमंडल का डिस्ट्रिक्ट पूछेगा जो सामान्यतः तो, मतलब उस जिले के नाम पे ना हो, ठीक है? तो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, निम्न में से कौन सा जिला इस प्रमंडल के अंतर्गत आता है या फिर नहीं आता है, निम्न में से कौन कौन से जिले आते हैं, तो इसको थोड़ा सा दिमाग में रखना है, रट्टा नहीं लगाना है, बस डिस्ट्रिक्ट का लोकेशन कैच कर लेना है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है, ठीक है? उसके बाद से धीरे धीरे चीज़ें आसान होती जाएंगी और फिर आसानी से इस चीज़ों को कर लेंगे, कोई दिक्कत परेशानी? दो चार पाँच बार घर पर इसको प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। पहली बार बिहार का मैप देख रहे हैं तो फिर दिक्कत तो हो गई, अभी तक पता था गोपालगंज सिवान छपरा ही है, ऊपर जाएंगे तो बेतिया मोतिहारी मुजफ्फरपुर है, लेकिन दूर तक जाएंगे तो पूर्णिया कटिहार भी सब बिहार में ही आता है। बात समझ में आ गया? ठीक है, फिर आगे लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट में आप लिखिए, हेडिंग छोटा सा डाल दीजिए, बिहार की चौहद्दी, बिहार की चौहद्दी। अब जिससे पूछेंगे वो थोड़ा बताएगा, पहले लिख लीजिए आप, हेडिंग डाल दीजिए बिहार की चौहद्दी। चौहद्दी समझते हैं ना, मतलब चारों ओर क्या क्या है। बोर्ड पर देखिए, ध्यान से देखने के बाद से ये पता लगाइए, मैप दिख रहा है, बोलो ना जी इसमें। ध्यान से देखने के बाद ये पता लगेगा कि बांग्लादेश की सीमा बिहार के सीमा से टच करता है कि नहीं, ध्यान से सोचो, उधर लगा है बांग्लादेश, उधर है, बोलिए। किसी को लगता है कि बांग्लादेश पे टच करता है तो हाथ उठाए भाई, जो कि यहाँ पे बांग्लादेश की ये वाला डिस्ट्रिक्ट, ये वाला पार्ट व्हाइट कलर, ये क्या है? पश्चिम बंगाल है, और यहाँ पे पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश लगा हुआ है, न कि बिहार से, क्योंकि बीच में ये वाला क्षेत्र आप जाएंगे दार्जिलिंग वगैरह सब ये बेल्ट है, तो इधर ये सब कौन सा है? पश्चिम बंगाल। बात समझ में? थोड़ा और ध्यान से देखिए कि कहाँ, अब ये देखो पश्चिम बंगाल है, तो पश्चिम बंगाल का बाउंड्री ये है आपका, ये वाला पश्चिम बंगाल की बाउंड्री है। नीचे जाएंगे तो ये झारखंड है, ये वाला आपको झारखंड का बाउंड्री है। फिर इधर जाएंगे तो ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का बाउंड्री ऊपर नहीं खींचा गया, ठीक है, पश्चिम, ये वाला है यहाँ पे पश्चिमी चंपारण के पास दिख रहा है, और इधर जाएंगे तो ये पूरा क्या है? नेपाल है, कोई दिक्कत परेशानी? अब चौहद्दी में कौन कौन सा कंट्री या कौन कौन सा स्टेट इसके बगल में है और कौन कौन से जिले टच करते हैं उस स्टेट को, उस बात को लिख लेना है, कोई दिक्कत परेशानी? तो डैश देख लिखिए फर्स्ट पॉइंट, बिहार के उत्तर में नेपाल, बिहार के उत्तर में नेपाल, उत्तर में नेपाल, कौमा दक्षिण में झारखंड, दक्षिण में झारखंड, कौमा पूरब में पश्चिम बंगाल, उल्टा है, पूरब में पश्चिम बंगाल, तथा तथा दक्षिण में उत्तर प्रदेश है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, पूर्ण विराम। इतना बात समझ गए? अब नीचे लिखिए, सबसे पहले लिखिए नेपाल, हेडिंग डाल दीजिए नेपाल, और बोर्ड से ही काउंट करके देखें कितने डिस्ट्रिक्ट टच कर रहे हैं नेपाल को, क्योंकि आपको जो मैप दिया हुआ है उसमें नेपाल का बॉर्डर कहाँ तक है वो मेंशन नहीं है। तो 7 जिला है, इधर से बढ़ेंगे पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, ये सातों के सातों जिला टच करते हैं किससे? नेपाल से, ठीक है? तो पहला है यहाँ पे पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, दूसरा ये पूर्वी चंपारण, तीसरा ये सीतामढ़ी, पांचवा मधुबनी। अच्छा देखो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर दिया हुआ है, ये एक मिनट रुको, चलो ये पश्चिमी चंपारण है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बेतिया, ये पूर्वी चंपारण, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर
मोतिहारी, अभी अब सीतामढ़ी का सीतामढ़ी है, जैसे गोपालगंज का गोपालगंज है, सिवान का सिवान है, लेकिन सारण का छपरा है। तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अलग अलग नाम से, फिर मधुबनी का मधुबनी, सुपौल का सुपौल, अररिया का अररिया, किशनगंज का किशनगंज। तो चौथा, ये पाँचवा, और ये छठा, और ये सातवां। तो ये सात जिले नेपाल के साथ मतलब सीमा साझा करते हैं। तो पहले तो इनका नाम लिख लीजिए डैश देके, एक सीक्वेंस में लिखिएगा, पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब, तो पश्चिम से पूरब ही लिखिए, इजी रहेगा। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, सबसे ज्यादा वर्षा होने वाला एक डिस्ट्रिक्ट है इसमें, जिसका नाम है किशनगंज। साउथ वेस्ट मानसून का बारिश इधर होता है काफी बड़े पैमाने पे, जूट उत्पादन वगैरह के लिए क्षेत्र फेमस है, एग्रीकल्चर वगैरह के लिए, लेकिन पिछड़ा क्षेत्र है। जो ट्रेनों में भर भर के लोग जाते हैं इधर से, सब ट्रेन चलता है, वैशाली सुपर वैशाली है, या फिर सप्त क्रांति है, संपर्क क्रांति है, ये सब इधर से ट्रेन चलता है। तो इस वाले बेल्ट से थोड़ा सा पिछड़ा इलाका है ये, हो गया, बोलो ना जैसे। तो नेपाल से हो गए सात जिले। नेक्स्ट, नेपाल के बाद पश्चिम बंगाल लिखिए। पश्चिम बंगाल कितने जिले हैं? तीन। तो ब्रैकेट में लिख लीजिए तीन जिले। यहाँ पे देखो बोर्ड पे, ये देखो, ये वाला लाइन दिख रहा है, ये बोलो ना जी असो, तो ये पश्चिम बंगाल का लाइन है। तो पश्चिम बंगाल भागलपुर से नहीं टच करता है, ये भागलपुर के नीचे ये कौन सा है? मध्य प्रदेश है, झारखंड है, मध्य प्रदेश नहीं आएगा इधर। तो तीन जिला है, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। तो डैश से क्लिक है, पश्चिम बंगाल ब्रैकेट में तीन जिले, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। हो गया। नेक्स्ट लिखिए झारखंड। झारखंड आठ जिले हैं, ठीक है। क्वेश्चन पिछले बार का बीपीएससी का था, झारखंड के साथ किस जिले टच करते हैं? लिखिए झारखंड ब्रैकेट में आठ जिले, और नाम लिख दीजिए आप इधर से, पूरब से पश्चिम लिखो, ठीक है। सबसे पहले कटिहार, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, सहरसा। सर रोहतास का जो भभुआ बताए थे वो भभुआ नहीं, सासाराम है, ठीक है। भभुआ है कैमूर का, हो गया। तो झारखंड से कितने? आठ। नेक्स्ट लिखिए यूपी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश यहाँ से भी कितने जिले हैं? आठ ही जिले हैं। उत्तर प्रदेश ब्रैकेट में आठ जिला, और डैश देख के नाम लिख लीजिए, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, आरा, बक्सर, भभुआ, रोहतास। रोहतास भी टच करता है यूपी से। बनारस चले जाइए, बनारस से 15-20 किलोमीटर का सफ़र करिएगा, बिहार में एंट्री मार दीजिए। इधर से मान लीजिए गोपालगंज से जाना है तो सिवान, सिवान से इधर बनारस, और बनारस से इधर, तो इधर से रूट है। इधर से जाएंगे तो फिर पटना जाना पड़ेगा, पटना से इधर घूम के आना पड़े, रूट दोनों साइड से। हो गया, बोलो ना जैसो। अब आप मैप में काउंट करिए कि टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं जो सीमा रेखा पे हैं, टोटल पूरा कुल कितने जिले हैं जो राज्य या फिर देश के साथ अपना सीमा शेयर करते हैं, जल्दी से काउंट करिए। कितना हो गया? दिमाग लगा दिया? क्वेश्चन सुनो भाई ध्यान से।
कितने ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जो बॉर्डर पे है, बॉर्डर पे मतलब के पेरिफेरी में है उसके, अब काउंट करिए। अब देख के काउंट करना, इसमें भी दो गो आंसर दे देगा, 22 एगो, 23 एगो, 25 बोल, ठीक से काउंट करिए कितने। हेलो, बात नहीं, अपना अपना काउंट करो ना जी। बाईस को बा, ठीक से गिनो बोर्ड पे, देखो इधर बोर्ड पे। अब जो कॉमन, अब एक ही बार दिमाग लगा दिया सबकी, सात गो आठ गो, सात तीन दस, आठ अठारह और आठ छब्बीस, ऐसे दिमाग ना लगाओ, ठीक है। कुछ कॉमन डिस्ट्रिक्ट में भी तो है। हेलो, बोर्ड पे देखो, तो इधर से आप जाएंगे तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस, बाईस जिले हैं, ठीक है। तो 22 टोटल ऐसे जिले हैं जो बाउंड्री लाइन पे कवर करते हैं। तो एक बात इसको लिख लीजिए, बिहार के कुल 22 जिले, अगला पॉइंट है, बिहार के कुल 22 जिले, कुल 22 जिले झारखंड, पश्चिम बंगाल, नेपाल, झारखंड, पश्चिम बंगाल, नेपाल एवं उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं, एवं उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं, उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। सीमा साझा करते हैं। अब एक फैक्ट दो तीन यहाँ पे देखिए, बोर्ड पे, बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे जब बिहार और झारखंड एक साथ हुआ करता था, हेलो बात नहीं करो, बिहार और झारखंड एक साथ हुआ करता था तो इसमें टोटल जिलों की संख्या थी 55, कोई दिक्कत परेशानी। जब 2000 ईस्वी में यानी 15 नवंबर 2000 को जब ये दोनों अलग हुआ तो बिहार के पास जिलों की संख्या थी 37, तो बच जाएगा कितना, 18। ये थे किसके पास, झारखंड के पास, कोई दिक्कत परेशानी। आगे चलकर वर्ष 2001 ईस्वी में एक जिला बना जहानाबाद से काटकर जिसका नाम था अरवल, तो ये हो गया 37 प्लस एक कितना, 38। तो बिहार में अभी टोटल जिलों की संख्या कितना है, 38। तो क्वेश्चन ये भी पूछा है कि जब बिहार झारखंड था तो टोटल जिलों की संख्या कितनी थी, फिर ये भी पूछा है कि झारखंड का अलग होने के बाद बिहार में जिलों की संख्या कितनी थी, 37। वर्तमान में जिलों की संख्या है टोटल 38। यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी, बोलो ना जी। तो इस बात को लिख लीजिए जल्दी, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार विभाजन के बाद बिहार में जिलों की संख्या 37, बिहार में जिलों की संख्या 37 तथा झारखंड में जिलों की संख्या 18 थी। बिहार में जिलों की संख्या 37 तथा झारखंड में 18 थी। और ब्रैकेट में लिख दीजिए कुल कितना हो जाएगा, 55। तो ब्रैकेट में लिख दीजिए कुल 55। पूर्ण विराम, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, परंतु वर्ष 2001 ईस्वी में जहानाबाद से अलग करके, वर्ष 2001 ईस्वी में जहानाबाद से अलग करके, जहानाबाद से अलग करके, अलग करके बिहार के 38वें जिले, बिहार के 38वें जिले, बिहार के 38वें जिले अरवल का गठन हुआ, बिहार के 38वें जिले अरवल का गठन हुआ।
इस प्रकार वर्तमान में कुल जिलों की, इस प्रकार वर्तमान में बिहार में कुल जिलों की संख्या, थर्टी एट या अड़तीस है। पूर्ण विराम। इसका दो पॉइंट और है, टाइम के अभाव के कारण इसको हम नहीं देख रहे हैं। बिहार के टॉप फाइव क्षेत्रफल के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट और लास्ट फाइव क्षेत्रफल के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट, उसको बस कल लिख लेंगे शुरुआती दो चार मिनट में। और उसके बाद से इसका तीसरा टॉपिक डिस्कस होगा बिहार स्पेशल का, जिसका नाम होगा ये बिहार के भौतिक विभाजन, कौन कौन सा चट्टान किधर पाए जाते हैं और इसका भौतिक स्वरूप बिहार का कैसे है, कल से डिस्कशन में आएगा। पूरा रिवीजन कर लीजिएगा, कल आते ही दो चार पांच क्वेश्चन होगा पहले प्रीवियस ईयर और अलग अलग एग्जाम में जो पूछा गया है, और ये फिर तीसरा डिस्ट्रिक्ट बिहार का भौतिक विभाजन चालू हो जाएगा। ठीक है, एक बात और दिमाग में ला लेना है कि सभी जिलों का नाम पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सेंटर ये सारे पता होना चाहिए, क्योंकि आगे जितना सारा लेक्चर होगा ये सब जिलों का नाम पता होना चाहिए। खनिज संसाधन पढ़ाए और पता चला कि जिलों का नाम लिखकर आपको पता ही नहीं है कि पूर्व में है कि पश्चिम में है कि दक्षिण में है कि उत्तर में है कि बिहार में है भी कि नहीं, बोलो ना जैसा। फिर रिवर सिस्टम पढ़ेंगे तो कौन सा रिवर किस जिले से निकलती है, वहाँ के लोकेशन जो भी होगा वो। बिहार का पर्यटन पढ़ेंगे, बिहार का जनसंख्या रिपोर्ट पढ़ेंगे, तो इन सबको सबके मतलब लिए जनसंख्या सॉरी जिलों के नाम आपको पता होना चाहिए। तो एक बार बढ़िया से मैप बना के घर पे इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करके आइए, कल आते ही थोड़ा सा इस पर डिस्कशन होगा शुरुआत में क्वेश्चन वगैरह, और उसके बाद से फिर नेक्स्ट चैप्टर चालू होगा, कोई दिक्कत परेशानी। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं कल, चर्चा जारी रहेगा।